Hello everybody and welcome to another exciting episode of Queenie Talks. We would start this amazing session just in few minutes. We are waiting for people to join in, who join us every week to hear one of the life-changing stories of Diva Queen. The queen that is joining us today is Dr. Kanika Srivastav. She is a COVID warrior and also the winner of Queen of North from the batch of Mrs. India Empress of the Nation 2018. She also grabbed one more subtitle, which was Mrs. Confident. She's also an army wife and an amazing lady to interact with. Today, she's going to give us some tips and tricks how to fight COVID at its best. Also, she will be discussing how pageant changed her life and how she is feeling right now. So, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे उनके साथ. एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कोविड पेंडेमिक के बारे में. साथ ही साथ एज अ डॉक्टर वो आपको काफ़ी सारी एडवाइजरीज बताएंगी जो आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकते हैं. और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी डॉक्टर कनिका श्रीवास्तव. लास्ट वीक भी हमने उनके साथ लाइव किया था बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेटवर्क की खराबी की वजह से वो हमसे बातें नहीं कर पा रही थी. बट आई होप आज नेटवर्क हम पे मेहरबान रहे, वाईफाई हम पे मेहरबान रहे एंड हम उनसे बहुत सारी बातें कर सकें. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्वींस जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है. डॉक्टर नेहल, आई एम सॉरी, डॉक्टर स्नेहल, नेहा चौहान, आई कैन सी सत्या पांडे, वंदना भागवनी, ओनली दानिश, स्वाति कूल, तमन्ना, नेहा चौहान अगेन, रुचिता, कल्पना, जस्ट वन सेकेंड, आई कैन ऑल्सो सी स्वप्ना, प्रणाली, अपोलो आयरिश, श्रद्धा. सो यस, बहुत सारी हमारी जो लेडीज हैं हमको ज्वाइन कर चुकी हैं एंड थैंक यू सो मच. आप सब लोगों को मेरे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़े दिन में ना मुझे फारा अनवर ज्वेलरी लाइन करके कुछ लॉन्च करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए मुझे. एंड आजकल टाइम भी बहुत है हम सब लोगों के पास तो ये इस बारे में मुझे ज़रूर विचार करना चाहिए. एंड फारा अनवर एसेसरी लाइन मैं जल्दी लॉन्च करूँगी जिससे कि आप सब ये सारे इयररिंग्स खरीद सकें और अच्छे लग सकें. ओके, तो बस कुछ ही देर में हमारे साथ आ जाएंगी डॉक्टर कनिका श्रीवास्तव. बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो दीवा पैजेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ. तो दीवा पैजेंट एक बहुत ही वेटरन कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस है पुणे सिटी में और हम यहाँ पे तीन बड़े पैजेंट्स करते हैं जिनका नाम है मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन, मिसेज महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र, मिसेज वेस्ट इंडिया एम्प्रेस ऑफ वेस्ट इंडिया. तो ये सारे पैजेंट्स जो हैं हम करते आ रहे हैं एंड मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन के अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए. अगर आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो प्लीज़ आप अपना नंबर हमें इनबॉक्स कर दीजिए एंड हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे संपर्क करेंगे. तो ये सारी बातें आप ज़रूर याद रखें. अच्छा, कल्पना वॉन्ट टू बिकम माई फर्स्ट क्लाइंट, वो सबसे पहले मुझसे ज्वेलरी खरीदना चाहेंगी. जी ठीक है कल्पना जी, मैं ज़रूर इस बारे में विचार करूँगी. आजकल मैं बहुत फ्री हूँ तो मैं कुछ ज़रूर अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ पे लाऊंगी. एंड हाय वर्षा, कैसी हैं आप? अच्छा, नेहा चौहान मुझसे ब्यूटी टिप्स जानना चाहती हैं. मुझसे जानना चाहती हैं कि कनिका जी से जानना चाहती हैं? क्योंकि मेरे पास तो कोई ब्यूटी टिप्स नहीं रहते हैं. अच्छा, भावना जी को भी मेरे इयररिंग्स बड़े पसंद आ गए. ठीक है जी, तो अब हमने बहुत सारे मेरे इयररिंग्स के बारे में बातें कर ली और बहुत पॉजिटिव जनता भी हमारे बीच आ चुकी है. तो अब हम लाइन पे लेंगे डॉक्टर कनिका श्रीवास्तव को और उनसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे. तो लेट्स टेक कनिका ऑनलाइन. कनिका को मैंने भेज दिया है रिक्वेस्ट एंड आई होप कनिका जल्दी आ जाए हमारे साथ. हेलो मैम, हाय. डॉक्टर श्रीवास्तव इज हियर. हाय डॉक्टर कनिका, हाउ आर यू?
आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन. आपने तो मतलब इतना वेट कराया ना कि आज तो मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा था जब मैंने आपको मेरा खुद रिक्वेस्ट कर रहा की है, आपसे कि ज्यादा मेरा आपका कर रहा है। वाईफाई चलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स बड़ी एक्साइटेड थी कि एक डॉक्टर आने वाली है, कोविड वॉरियर है, हमें तो बहुत सारी बातें बताएंगी कोविड के बारे में कि भाई कैसे बचा जाए, ये पैंडेमिक से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए. बट उससे पहले कि मैं आप सब ये सारी बातें करूं, मैं आपके बारे में जरा हमारी जो जनता है उनको बता देती हूँ. तो डॉक्टर कनिका जी श्रीवास्तव, शी इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, शी इज अ डेंटल सर्जन, बट अभी शी इज द फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर. अलाहाबाद के पास एक गांव में अभी ये ग्रामीणों के साथ काम कर रही हैं, विलेजर्स के साथ काम कर रही हैं एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर. उन सबको कोविड के जो पैंडेमिक आजकल चल रहा है उससे बचा रही हैं. साथ ही साथ ये एक ब्यूटी क्वीन है, इन्होंने जीता है मिसेज क्वीन ऑफ नॉर्थ का खिताब, मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2018 बैच से है. साथ ही साथ इन्होंने एक और सब टाइटल अपने नाम किया था जिसका नाम था मिसेस कॉन्फिडेंट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके एक्सप्रेशन से एकदम कॉन्फिडेंस में बैठी हुई है ये, कि आज तो मैं साबित करके रहूंगी कि मुझे ये टाइटल क्यों मिला था. जी, तो आ चुकी हैं डॉक्टर कनिका श्रीवास्तव. उसके अलावा प्यारी बातें करेंगे एंड आपको जॉय बता रही है कनिका कि वो जैस्मिन की सिस्टर है, तो आपको और जैस्मिन का जो कनेक्शन है. जी, मेरा बेटा जहाँ पहले पढ़ता था, शायद जब मैं माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन पुणे, सो वेयर ही यूज्ड टू स्टडी वाज वेरी स्मॉल, ही वाज इन केजी ओनली, एंड तब जैस्मिन वाज द प्रिंसिपल, सो दैट इज व्हाई. अच्छा, चलिए, जॉय और कनिका जी का कनेक्शन निकल आया. तो जैसे हम बोलते हैं बड़ा छोटी सी दुनिया है, कनेक्शन बताओ लाइव सेशन पे भी निकल आते हैं. जी, निकल आते हैं. हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका एंड आई एम अ डेंटिस्ट एज मैम हैज टोल्ड. आई होप हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, Kanika, we can hear you. Okay. So, I'm Dr. Kanika. Please, जब भी कोई नहीं सुन पाए, please just let me know so that I know कि मेरे network में कुछ problem हो रही है. जी, बिल्कुल. I am working here at a community health center. It is called CHC. It is part of the district hospitals. And it is 45 kilometers from the place where I live in Allahabad. I hope Mrunalini has written that voice is not clear. I just hope voice is clear, ma'am. No, your voice is clear. I think Mrunali ke connection mein kuch dikkat hogi. Hum sab aapko sun pa rahe. Girls, I think okay. We all can hear her, right? Okay, ma'am. And wahan pe jitne bhi COVID ke bhi patients ki sampling chal rahi hai aajkal, matlab jo patients jinko bukhar hai, 2-3 din se ya 4 din se ya malaise se ya fir fatigue hai, body ache hai, तो उन लोग को बेसिकली हम लोग सैंपल कर रहे हैं. एंड जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, बिकॉज अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जितने डॉक्टर्स हैं दे आर ऑल इनटू ड्यूटी ऑफ कोविड एंड द नॉर्मल पेशेंट्स दे आर बीइंग निग्लेक्टेड, तो हमें उन्हें भी देखना है साथ ही साथ. वी जस्ट कैन नॉट निग्लेक्ट देम. एंड गांव के पेशेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी लिटरेट, तो हमें उन्हें एजुकेट भी करना पड़ता है. जबकि सारे पैम्फलेट्स हैं, आशाएं हैं, प्रधान हैं, मतलब दैट इज गांव की जो मेन मेन हेड्स होते हैं, दे आर ब्लॉक ऑफिसर्स, वो सब हैं. उसके बावजूद भी गांव वालों को शायद यही लगता है कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक. दे आर नॉट स्टिल अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड यू नो द सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज. जी, सो हम लोग रोज गांव वालों को एजुकेट करते हैं कि मतलब हमने पहले हमने बहुत प्यार से पेशेंट से डील किया, कि हमने उन्हें समझाया, बताया, फिर धीरे धीरे गुस्सा भी किया, नाटा भी, और फिर समझाया, फिर अब बोल दिया है कि आप जो है अगर मास्क लगा के नहीं आएंगे तो वील नॉट सी, बिकॉज इट इज नॉट ओनली फॉर देम, इट इज फॉर अस ऑल्सो. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर बोथ ऑफ देम. मतलब उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए, क्योंकि स्पेशली जैसे अब प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, या कोई किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी वजह से उनको अगर जरा सा भी कुछ होगा तो इट विल बिकम इन अ सीवियर थिंग. सो वी आर गाइडिंग देम, वी आर टेलिंग देम कि आप मास्क पहनिए तभी हम देखेंगे, नहीं तो हम देखेंगे नहीं. वी आर नॉट लेटिंग देम इनसाइड द हॉस्पिटल अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, लाइक प्रेग्नेंट पेशेंट्स अंदर आ जाते हैं, कोई किसी को जैसे डॉग बाइट हो गया, मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन गाँव के एरियाज ना, डॉग बाइट, मंकी बाइट, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स देयर,
तो उनके इंजेक्शंस के लिए वी आर अलाउइंग देम टू कम इनसाइड, बट जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम है तो वी जस्ट गिव देम मेडिसिंस और वी चेक, और किसी का या ब्लड प्रेशर लो है तो उसको हम चेक कर लेते हैं. अदरवाइज वी हैव मेड अ रूट फॉर देम थ्रू अ विंडो, वी हैव मेड अ होल एंड वी आर जनरली गिविंग द वट एवर प्रिस्क्रिप्शंस वी आर डूइंग, वी जस्ट गिविंग देम फ्रॉम देयर. मतलब पहले प्रिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में आता है, वी टेल देम कि क्या प्रॉब्लम है, वी आस्क देम एंड उसके बाद से वी गिव देम द प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज इट इज सेफ फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो. सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है. जो आपने ये पूरा प्रोसीजर बनाया है, जो चेकलिस्ट बनाई है, आई एम श्योर आपके लिए जरूर काम करे. एंड जो हमारे जो ग्रामीण है, जो विलेजर्स हैं, वो बिल्कुल आपकी दवा खाके बिल्कुल सही सलामत रहे, यही दुआ है हमारी. आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ. जैसे बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बातें करती हूँ, या हम वीडियोस देखते हैं, हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं अरे हम मास्क नहीं लगाएंगे, ये सब तो एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोविड जैसी कोई बीमारी नहीं है, इसको तो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इन्फ्लुएंजा से ज्यादा लोग मर जाते हैं, कैंसर से ज्यादा लोग मर जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो डिस्कशंस हैं फैमिलीज में हो रहे हैं, वीडियोस पे हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे हो रहे हैं, हमें बहुत सारे शॉकिंग वीडियोस दिख रहे हैं जहाँ पे लोग बिना मास्क लगा के आ रहे हैं, ये सारी बातें वो वीडियो टेप पे कर रहे हैं. तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूंगी कि गॉड फॉरबिड किसी को कुछ हो ना, बट वंस यू गेट इन टू दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या सीवियरिटी है. बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेडिसिन से एलर्जी है. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एलर्जिक टू मेडिसिन है, यू जस्ट कैनॉट गिव देम. उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उनको सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है कि वो बोल तक नहीं पा रहे, मतलब दे आर ऑक्सीजन पे हैं. ये बात वो अभी इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि भगवान ना करे किसी को, बट किसी को अगर हो जाए तो यू हैव टू बी केयरफुल. इवन WHO हैज यस्टरडे सेड कि अगर वी डू नॉट टेक प्रिकॉशंस, वी डू नॉट फॉलो द रूल्स, देन इट इज गोइंग टू बी अ हैवॉक इन फ्यूचर. It's not going to be good for anyone. As it is community spread start ho gaya hai. And in fact, इसी वजह से बहुत से states में, in fact पुणे में भी I guess lockdown है 23rd July तक, that's what I heard. पुणे में कल से lockdown कर दिया गया है. And उसका reason यही है इस बार, तो जो groceries की shops हैं, जो सब्जियों की दुकानें हैं, वो तक बंद कर दी गई हैं. For the reason के लोग अपने घरों से बाहर ना जाए. बाहर नहीं निकले क्योंकि लोग घर से बाहर निकल के वो आप सब्जी मंडी चले जाइए. इवन आई गो टू बाय वेजिटेबल्स, आई डोंट अलाउ माय पेरेंट्स टू गो बिकॉज दे आर आल्सो ओल्ड एंड यू नो दे आल्सो हैव मेडिकल कंडीशंस, दे कैन हैव एनीथिंग एनी प्रॉब्लम. सो आई आल्सो टेल देम नॉट टू गो, बट व्हेन आई गो आल्सो आई मेंटेन अ डिस्टेंस. बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोग इतने शायद एजुकेटेड नहीं है और लोग एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं. दे हैव नॉट मेड द सर्कल्स, जैसे एक सर्कल हो या स्क्वायर हो जो दो दो फिट की दूरी पे हो, जिससे कोई भी आदमी दो दो फिट से ज्यादा दूर ना जाए. उससे क्या होगा कि जब आपका सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा तो आपको कैच करने में एटलीस्ट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी. इम्यूनिटी, आई एम श्योर सारे लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने में लगे हुए हैं, स्ट्रांग जितना कोशिश कर सकते हैं. एवरीबडी इज कीपिंग ईटिंग गुड वेजिटेबल्स, ईटिंग एवरीथिंग, बट स्टिल एवरी डे वेन यू सी न्यूज एंड रिपोर्ट्स यू स्टार्ट टू फील अ फियर कि क्या होगा आगे, क्या होगा. देयर इज नो, मतलब देयर इज नो एंडिंग टू इट राइट नाउ. अभी तक कोई एंड नहीं हो पाया. न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई थी थोड़े दिन पहले, इट वाज बिकॉज़ देयर वाज नो केस. स्टिल अगले दिन ही उनका केस निकल आया एंड दे आर स्टार्टेड अगेन फॉलोइंग. जबकि वहां पे, मतलब इट इज नॉट टू से दैट, बट बहुत सी जनता वहां बहुत पढ़ी लिखी है, दे आर वेरी लिटरेट पीपल. यहाँ पे लोग जो पढ़े लिखे नहीं, हम उनसे बोले जो पढ़े लिखे वो भी नहीं समझ रहे इस बात को जी कि मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज नाउ दे आर इवन WHO इज सेइंग इट्स बिकमिंग अ एयर इन्फेक्शन, इट्स अ एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सो इट्स ट्रांसफरिंग बाय एयर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई वुड एडवाइस कि सब लोग एक सैनिटाइजर जरूर रखें, नहीं तो हाथ धो लें, क्योंकि कुछ लोगों को स्किन से प्रॉब्लम होती है सैनिटाइजर से, कुछ लोगों को लिक्विड सैनिटाइजर से स्किन में प्रॉब्लम होती है. तो प्लीज कीप अ जेल सैनिटाइजर, और इफ यू आर नॉट एबल टू कीप सोप स्ट्रिप्स, दैट इज मोस्ट ईजी टू कीप. Take a soap strip and you know, just you can keep it and a bottle pani ki, you know, on your, in, if you're going out anywhere in your car, you can just wash it. You wash your hands, your face, you know, that's very, and when you come back, I always advise everyone, please go to the bathroom first. Go to the washroom and have a bath and keep your, all your clothes. There's a solution which is known as sodium hypochlorite.
ओके यू कैन गेट इट एनी वेयर फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर ऑल्सो और एनी अदर स्टोर ऑल्सो. यू कैन जस्ट टेक लिटल बिट एंड पुट इट यू नो डाइल्यूट इट इन 1 लीटर ऑफ वॉटर ऑल्सो एंड यू कैन कीप योर क्लोथ्स इनसाइड देम. इट्स गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट. एटलीस्ट डेटॉल और इन सब चीजों से आपको लग रहा है कि नहीं इफेक्ट हो रहा है या आपको डेटॉल नहीं मिल रहा. बहुत से लोगों को डेटॉल नहीं मिल रहा मैम. इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतनी पॉपुलेशन है, कितना अभी कंपनी में प्रोडक्शन भी इतने नहीं हो रहे हैं. सो दैट इज वाई वो उन्होंने हमने उनको कि ठीक है आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लीजिए, उसको 1 लीटर वाटर में 2 ढक्कन डालिए बस, एंड देन यू कैन पुट योर क्लोज इन दैट. दैट एक्ट्स इक्वली एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड यू नो अगेंस्ट गुड अगेंस्ट वायरस. जी सो आई विल एडवाइस एवरीवन टू यू योर मास्क एंड इफ यू कैन हैव ग्लव्स प्लीज डू वेयर ग्लव्स एंड डू नॉट रीयूज देम. प्लीज थ्रो देम आउट. जस्ट कीप अ पैक ऑफ ग्लव्स विद यू. इफ यू गोइंग आउट वेयर देम एंड थ्रो देम आउट. डू नॉट टच योर कार आउटसाइड ऑल्सो विद दैट. इफ यू यू समबडी इज सिटिंग इनसाइड, एक आदमी के जाने से काम हो जाता है. इफ द लेडी गोज इनसाइड एंड द हस्बैंड इज सिटिंग इनसाइड, द लेडी कैन गेट एवरीथिंग, द हस्बैंड कैन ओपन द डोर, शी शुड नॉट टच एनीथिंग. यू नो कीप अ स्प्रेयर विद यू. So that, you know, that sprayer is filled up with all disinfectant, all the sanitizers, you know. And when you come from outside, you can just tell your husband or maybe your whosoever is living with you just to spray all over your body. At least there's something better than nothing. So it can help you out in combating at least the viral infections to a large extent, I feel. Because I have been going almost past 2-3 months to the hospital and touch wood. I'm still okay. And this is because of these precautions, small, small precautions which we are using. Every 10 minutes, we use a sanitizer in our hands. We are not touching the patient, still we are using because we sanitize our tables, we sanitize our chairs. Because after all, they are government hospitals. You cannot expect them to be, you know, like a private hospital. Because there are so many hospitals. How much you can, you know, fund and that ways. But still, we are practicing our own ways and जैसे इंडिया में ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत चलती है तो वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग की छोटी छोटी चीजें जैसे हो सके. एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड की इफ यू वॉन्ट टू मेक अ सैनिटाइजर एट होम ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट नीम एलोवेरा एंड यू कैन जस्ट मेक इट बॉयल इट. यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन ऑल्सो यू नो इट गिव्स अ वेरी गुड. हाथ को भी बहुत अच्छा रहता है एंड बॉडी को भी बहुत अच्छा रखता है. सिनेमन इज यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर सो इट इज अ वेरी गुड ingredient. You can use it in your normal tea also, you know, day-to-day tea for boosting your immunity. So you can use cinnamon, you can use long, you can use pepper, you know, just make like a masala chai, just make it. You can use garlic. We are all boosting your immunity. You know, बहुत सी चीजें हमें नहीं मिलती हैं तो ये सब basics चीजें जो हमारे घर में generally होती. So I would advise everyone to wear a mask. And I will tell today, you know, what is the way to wear a mask? Because that's very important. Now you are wearing a mask and then you are going outside, you're touching it from outside and then, you know, then you keep it inside aake ghar mein. Nobody keeps it outside. But I'll advise if you're using this mask, this is a disposable mask, please use it. And then just if you've used it for 6 hours, after that, you just wrap it, put it in a newspaper and burn it. Do not use it again. It is disposable. Agar there is a double layered cloth mask, then you can wash it and you know you wash it with Dettol water or maybe hypochlorite solution and then you can just put it in the sun for some time and it aajkal to itni garmi hai ki wo aise hi sook jata hai and then you can use it. But disposable I would not advise more than 6 hours. And please wear your mask with this and like this, and if you're using like this then you have to take it out, then you have to take it out like this. Don't take it out from this side. Do not hold it from outside or inside. You don't have to. You just use this and this. That is the most important thing. Because these small things nobody will tell. We have to know. You know, this is by due practice we come to know. Because as a dentist, we've been wearing masks for every patient when there was no COVID also. Because especially that breath. Because we are very close to the patients when we are working on the patients, on their teeth. True. So we are very in very close contact. So we have to be very careful for every smaller thing because there are a lot of things which are spread from mouth. You know, herpes infections, there are a lot of things which spread just from the mouth. So we used to keep our mask always on. So I would advise that please, you know, just take out your mask only from your ears. Do not hold it anywhere else.
दैट इज राइट. डॉक्टर कनिका, जैसे आपने बताया मास्क के बारे में कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, अगर आप हमें ये भी बता सकें कि हैंड सैनिटाइजर यूज करने का सही तरीका क्या है. आई वुड ऑलवेज से कि आप थोड़ा सा सैनिटाइजर लगाइए एंड पुट इट रब इट ऑन योर पाम एंड देन ऑन योर फिंगर्स एंड देन ऑन योर हैंड्स ऑल्सो. दिस इज द वे टू यूज सो दैट योर हैंड्स आर ऑल्सो सैनिटाइज्ड. यू नो ऑल योर हैंड्स बिकॉज बींग अ गर्ल लेडी हमारे नेल्स भी बड़े हैं तो इन्फेक्शन तो घी से भी जा सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर नेल्स ऑल्सो. मतलब इवन आई एम ट्राइंग की आई जस्ट कट माई नेल्स इन यू कीप इट स्मॉल बिकॉज that way is infection does not spread. There are small things which can spread the infection. So I would advise put it on your palm and you know put it till your elbow at least and try to wear something which is till elbow so that you know it does not affect you if it comes in direct contact at least with the skin. एंड जैसे कि कनिका अभी हम जानते हैं कि इतना ज्यादा फैल रहा है एंड अगर हम आरोग्य सेतु ऐप खोल के देखें तो आई थिंक हर कॉलोनी में या हर मोहल्ले में एक दो पेशेंट्स अब दिख रहे हैं. तो हो सकता है कि कल ये बीमारी इतनी फैल जाए कि हम लोगों को भी हो. तो कुछ आप ऐसी चीजें जो चेकलिस्ट एक हमको घर में हमेशा हम रख सकें जस्ट कि बिकॉज मुझे लगता है अब थोड़े दिन में तो हॉस्पिटल में शायद बेड्स भी नहीं मिलेंगे लोगों को, जो कि अभी चालू हो गया है. इस बड़े सिटीज में तो बेड्स अवेलेबल हैं बट इतने सारे हम वीडियोस देख रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि छोटे सिटीज में टायर 2 टायर 3 सिटीज में अब बेड्स भी अवेलेबल नहीं है. तो आप कोई ऐसी चेकलिस्ट अगर हमें बता सकें कि ये चीजें आप घर में रख सकते हैं तो एटलीस्ट जब तक आपको अगर बहुत कम सिम्टम्स हैं जो आप घर में ही आइसोलेट हो सकें और अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो एक दो दिन आप अपने आप को घर में मैनेज कर सकें, तो ऐसी कोई चेकलिस्ट अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा. अगर आपको ऐसा कभी लगे कि यू नो यू स्टार्टेड हैविंग फीवर, सो ऐसा नहीं कि पहले दिन फीवर होते ही इट मींस यू आर कोविड पॉजिटिव. इट डज नॉट मीन दैट. इट इज एक दो दिन लगातार होता है तो देन यू स्टार्ट टू फील दैट यू बिकम यू हैविंग सम प्रॉब्लम्स, स्पेशली फीवर, बॉडी एक, फटीग, मलेस, दैट इज ऑल थिंग्स, ब्लूइंग ऑफ योर नेल्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पेशली ऐसे ऐसे जैसे जैसे डिजीज एग्रोवेट होती है योर ब्लूइंग ऑफ नेल्स, your blueing of face because oxygen पहुंच नहीं रहा आपके lungs में properly. So that is why it starts being. That is one of the very important things which people have not known because nowadays people have started becoming asymptomatic. So that is why पता नहीं चला कि वो COVID positive है क्योंकि हमें लगता है अभी तो मौसम ऐसा है कि बारिश हो रही है. So every now and then किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है. It is very, I would say कि ठीक है, मतलब यू आई अंडरस्टैंड कि इसमें गर्मी इतनी कि एवरीबडी इज ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड यू नो स्लीपिंग इन एसी आल्सो, बट प्लीज लिमिट योर टेम्परेचर्स टू 26 डिग्रीज. दैट्स नॉट बिकॉज द वायरस विल डाई, इट्स जस्ट बिकॉज दैट योर बॉडी विल बी एटलीस्ट अट्यून टू दैट टेम्परेचर, 25 एंड अबव. डोंट कीप इट टू 20-21 बिकॉज वेन इट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड यू नो यू स्विच ऑफ द एसी देन इट बिकम्स नॉर्मल. सो दैट टेम्परेचर चेंज कैन ट्रिगर थिंग्स इन योर बॉडी. So I would advise everybody to keep your AC at least above 24-25. That is one thing very important because aajkal itni humidity hai ki everybody is using. You want to drink cold water, I would advise everybody to drink cold water, but you can mix it up with little bit of normal water. Not lukewarm, just a normal water. So that the temperature is, you know, cold for you also, but still it is not very cold that you become, you know, attuned to it. Then if at all you catch infection or you know you are having fever or something, you should restrict yourself to one room only. There have been doctors who have been working in government hospitals, in big hospitals, one of my friends only, they have restricted themselves to rooms and rooms ke saath they are not even, matlab unke parents unko aise hi khana bahar rakh dete hain and they take it and they get back because that is the only way to do self-quarantine. There's no other way. And then, you know, clothes, keep on changing your clothes, washing your hands. That is why I think everybody is telling, even the government is telling so many times. If you do not like sanitizer, keep soap strips. I always advise because soap is one of the very good things. It is always going to help it out. You can keep soap strips, keep normal water. You know, these two things, at least aapko kahin lag raha hai, at least aap haath mund dhote. You can wash your face also. Because kahin se bhi infection ho sakta hai, you know, because now it's a droplet infection, so it can spread through nose, through mouth breathing. Keep your breath very clean. Means use mouthwashes. I'll advise everyone,
जनरली डेंटिस्ट सब करते हैं, बट आई एडवाइज दैट हेल्प्स टू रिमूव ऑल द प्लाक व्हाट इज कलेक्टेड, स्पेशली आफ्टर व्हाट एवर यू ईटिंग आफ्टर योर मील. अगर आपके पास वो भी नहीं है तो यू कैन जस्ट रिंस इट विद द, आई विल नॉट से ल्यूकवॉर्म वाटर, ऑल्सो नॉर्मल पानी में भी आप बस यू नो पिंच ऑफ सॉल्ट कैन हेल्प यू आउट. You can just, you know, swish it around because salt is also very good antiseptic. It becomes a very good, it can help you to combat inflammation and lot of things. So you can just use that. It can help you. बहुत से लोग कहते हैं ना throat infection होता है तो गरारे कर लो. Just because the lukewarm water and the salt helps, you know, to clear it off. So I'll advise you to use those things and keep it with you always, all the time. That is going to help you a lot. जी बिल्कुल. एंड आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑक्सीमीटर्स वगैरह भी अपने घर में रख रहे हैं जस्ट टू चेक के अगर उनका ऑक्सीजन लेवल सही है या नहीं. तो एटलीस्ट जिस घर में एल्डर्स हैं या जिन घर में बच्चे हैं, तो आपका एडवाइस है कि ऑक्सीमीटर एक रखना चाहिए घर पे? नहीं, आप रख सकते हैं. आई एडवाइस कि एवरी डे एवरी वन शुड टेक देयर टेम्परेचर्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. Every day, I am very sure सबके घर में thermometer. You don't need to have a, you know, electric thermometer or a radiation thermometer. Normal जो thermostat अभी वाले आ रहे हैं, thermoscanners की जरूरत नहीं. आप normal thermometer से रोज ना temperature उसी time पे लीजिए जिस time पे आप हमेशा लेते हैं. You know, maybe in the morning, maybe in the evening before going to sleep, whatever time suits you, take it and you know the next day also take it on the same time and just and make a register. The ideal temperature for a female and a male. Generally for a female or male 98.6 is supposed to be 98.4 se leke 98.6 is generally normal, but 98 se upar bhi if it is 99 also it is not considered abnormal, and in fact if it is 97 or 95 also it is not abnormal. It is good if temperature is low, it is not high. That is right now that is most important, but generally 98 ke level pe temperatures are supposed to be good. 97 98 96, they are all good temperatures. So I'll advise everyone to take their temperatures every day because we are also going to the hospital and we are every day taking our temperatures. And in fact, this has been said like that if the temperature becomes, you know, 99 or 100 for consecutively 3 days, you are, you know, quarantined. That is the GO which is given by the government. So take your temperatures. That is very important. I would advise everyone that. तो बिल्कुल आपने जो हमें ये सारी चेकलिस्ट बताई है, सारी गर्ल्स आप प्लीज नोट करिए एंड इसको फॉलो करिए. बहुत इजी चीजें इन्होंने हमें बताई है जो हमको हमारी रक्षा कर सकती है इस पेंडेमिक में एंड हमारे परिवार को भी सुरक्षित रख सकती है. अब आपने ये इतनी सारी अच्छी अच्छी हमको जो बातें बताई कि हम अपने आप को कैसे COVID-19 से सुरक्षित रखें, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ्रॉम अ डॉक्टर, फ्रॉम अ डेंटल सर्जन, आपकी पेजेंट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? Oh, it was a very wonderful journey, and actually, I had Facebook पे generally बहुत सी चीजें आती रहती हैं, कि everybody knows it. And I just came across a lady who was, I was just talking, I was in a group, part of a group. Her name was Payal. So I just spoke to her. So she told me कि you know there's a pageant which is going on. Hi, can you see me? I hope you can hear me, ma'am. Yes, I can hear you. Okay. So I spoke to her. She told me. Then my husband and one of my very good friends, who's part of Diva Pageants, she's Anjali Bharat Verma, and he just told me ki tum Anjali se baat karo because she's been into this and she can guide you well. So I got a number from Anjali, and then Anjali. She is my first mentor, I would say, because she only guided me and she gave me that path to Anjana ma'am and Karl sir. And from there, that pageant journey started, and she helped me out all through my pageant journey. You know, how to, you know, groom myself, how to sit, how to walk, how to talk, how to, what products to use. Most important thing, what to, you know, wear. Because pageant dresses, I guess now they are very different from the normal dresses which we wear, and I am very thankful to Diva Pageants that they have shown me the right way of dressing, the right dresses to be worn in a pageant.
अदरवाइज आई हैव सीन लॉट ऑफ पैजेंट्स व्हिच आर हु आर वेयरिंग एंड यू नो यू सी तो ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल हम रोज घर में कपड़े पहन लेते हैं या फिर शायद हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम ये पहन लेते हैं. बट विद अंजना मैम एंड काल सर वी केम टू नो कि नहीं ऐसे नहीं कपड़े पहने जाते. यू नॉट टू वेयर विच इज जनरली ओनली ओनली प्रिस्क्राइब फॉर दीवा फॉर पैजेंट्स ओनली एंड ओनली फॉर अ यू नो दैट वॉज द थिंग. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अंजना मैम एंड काल सर दे हैव रियली ग्रूम्ड अस सो वेल. पूजा मैम she's been like made us walk on our tips and you were always there to guide us whenever you know we needed. kabhi bhi kuch aisa hota tha ma'am daant bhi deti thi to you used to tell her aise se kar theek ho jayega sir. it is okay you'll I knew it so we know it ki you matlab you know back support bahut important hota hai because wo to mentors hain they are the important people but back support bhi saath mein hona so it gaadi chal jayegi. So you, Anjaliya, Pooja, they were all always there for us for the back support. And Shraddha, I can't forget her because she was always there to guide us through WhatsApp, whatever, you know, every small and thing we used to keep on bothering her ki pageant heels kaisi hoti hai, pageant dress kaisi leni hai, means everything for every small things. So that was the time when my journey started. I met Anjana ma'am, she was there at an event in Delhi. She was in Delhi. And it was in June 2018. And when she saw me, she said, see, Kanika, you're very confident. You can speak well. You are nice. Just your issues is with your weight. I want to see a new Kanika when I meet you 2 months after. So I followed her strictly. From that day, till that day when I joined her at Hayat Pune, so she was not able to recognize me. And I think so, ma'am, you will... you know she'll say that this thing yes I did not recognize you mujhe pehchan nahi aaya tum kaun ho. So I was very happy ki at least what did she say I had fulfilled that. So that day we started our journey that way of course and I'm very happy that I was part of this because now it's a better version of me. I know that bilkul and aapne apne aap ko itna change kiya pageant ke liye and pageant ke baad bhi. तो आज आपकी फैमिली आपको किस वे में परसीव करती है जब आपने जीता मिसेज क्वीन ऑफ नॉर्थ का खिताब जीता मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन में तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? दे वर वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली इनिशियली सभी को लगता है स्पेशली माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव विद मी. माय हस्बैंड हैज बीन वेरी सपोर्टिव. पेरेंट्स तो बचपन से ही मतलब आई हैव बीन बिकॉज़ आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ बॉय नॉट लाइक अ गर्ल इवन. I was always treated like you know and you're the eldest so you take the responsibility so that way so they were very always very happy with my decision of going into this pageant and I guess every girl wants to go andar hi andar har ladki ko lagta hai yaar ek baar to us ramp pe chalna hai you know I just want to have that crown on my head and it looks so beautiful just you know that thing is always there so initially my in-laws were little hesitant but then my husband and I convinced them. They were also very happy. I remember the day I won Mrs. Queen of North. The next day morning, they called me up, and they were so happy. They told everyone in their flats and everyone, you know, because he is living in Andhra, Vishakhapatnam, and you know, it's little far off that ways. So they were so happy, and you know, सबने मतलब मिठाई टाइप बताई ऐसे टाइप का feeling आ रही थी कि I was also feeling कि I like now it's just a better version of me. Now I've changed a lot. The confidence level, the way you speak, the way you talk to people, it becomes so different. So I'm really thankful to Diva Pageants for making me a better person now. Yes, and हम लोग भी बहुत lucky हैं कि उसको और तराश के एकदम चमक चम चमाता हुआ एक कोहिनूर बना दे. तो बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं कनिका. तो गर्ल्स आप थोड़ा सा वेट करिए जैसे ही हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर्स ओवर होगा एंड उसके बाद हमारा जो रैपिड फायर है वो ओवर होगा तो वी विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम कनिका एंड शी विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. तो आप थोड़ा सा जस्ट सब्र रखिए सारे आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे. जी तो इसके बाद आपकी जो क्वीन ऑफ नॉर्थ का जो आपने खिताब जीता एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको क्राउन मिला था बट अभी आप क्योंकि अलाहाबाद में तो आपके पास वो क्राउन नहीं है. क्राउन तो अभी है क्वीन ऑफ नॉर्थ जीतने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? लाइफ में बहुत चेंज आ गया. द वे आई नाउ आई स्पीक टू पीपल द वे आई ड्रेस अप द वे आई डू अ मेकअप दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज यार हम लोग को प्रॉपर मेकअप मतलब नॉर्मल पर्सन डज नॉट नो
So that makeup thing, I did not know anything. Now I used to initially take only 10 minutes. Now that ways it was a change. Then you start meeting different people from this industry. This is a totally different industry. We just see in televisions what is this industry all about. This is a whole different genre of people. You know, they are totally different. They are nice people, they are bad people, that is there in the whole of world. But I was very lucky to get so nice people. I've never got a person. Matlab, the best part with Diva pageant was that it's a very secured pageant. And that is the most important thing, because every lady who's going for the Mrs. category, especially, not even Mrs., even Miss, even, they think that, you know, there's a lot of trafficking, human trafficking, this, that, you know, there are a lot of compromises. That's what we've been hearing as a layman when we did not go into that pageant. Yeah. So I've always told everyone so, because I try to motivate a lot of ladies and tell them, you know, you should go once, at least once, enjoy it, experience it. It's a life changing thing. You should go for it. So then I always keep them telling ki, just be one thing very clear and, you know, secure that this is such a secured pageant, which I have not seen anywhere. There is no fraudulent thing. There is nothing of, you know, trafficking, nothing. Ma'am is so particular about everything, even the dresses, even what you wear, what you talk, how you're speaking with people. She's so particular that that is the most important thing. That is, I guess, one of the very important things. So after that, I met people, you know, there were a lot of radio jockeys were calling for interviews, and a lot of places where you become the chief guest. And then you also maintain your aura. You know, you also start maintaining your ways and, you know, aura. And then it becomes that ways. So that was the biggest change, I guess, when I won Mrs. Queen of North. जी एंड जैसे कि आपने बोला ये चेंज एक जो आप रातों रात एक आइडल बन जाते हैं सबके लिए सेलिब्रिटी फिगर बन जाते हैं सब आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है एंड जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात बोली बिकॉज काफी टाइम से मैं बहुत सारे पैजेंट्स देखती आ रही हूँ तो दीवा पैजेंट्स एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर माध्यम प्रोवाइड करता है बहुत फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी महिला के लिए जो बाहर से आ रही है उनको जरा सा भी ऐसा फील नहीं होने देते कि वो कहीं गलत जगह आ गई है या थोड़ा अनसिक्योर्ड एनवायरनमेंट में आ गई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है दीवा पैजेंट्स की ये बिल्कुल आपने सही बात बोली आपकी रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताइए अंजना एंड काल के साथ Anjana ma'am and Kal sir to is generally very you know he's very jovial natured and he's very matlab unke saath to hame pata hi nahi chalta ki you know he's talking to someone so senior he makes you so feel comfortable so in fact unhone jab mera introduction bhi likhwaya tha ya mujhe help bhi ki thi unhone so then also he used to you know try and bring out little bit of wit and humor that is his speciality that he you know he likes to put that humor little bit of humor and it is such a witty thing we keep on seeing his posts also it is such that ones that we enjoy it anjana ma'am has helped us a lot she is strict no doubts about it and she has to be she ought to be because she's our mentor if she doesn't get strict we will only become you know loose hum hi dheele pad jayenge are ho gaya jaise matlab ek mentality ho jati hai chalta hai but if we do not if she does not get us strict with us we'll also become loose so she tells us but strictly mein she tells us in a very nice way so we do not feel also you know she's always been so supportive in front of everywhere anywhere you go she's and she helps us not only you know just during the pageant after that also she tries to help each and every girl of the pageant it is and she remembers everyone that's the best part I really give hats off to her that she does not forget any girl matlab you call her any time maybe she can pick up that time but she'll reply you maybe little late but she'll always you know reciprocate you that's the best part so because relationships are always you know dual nature they are never single ones so she always you know has been very supportive she keeps a check on all the girls what are they doing what are they following and you know she keeps on telling us also whether you know this is not good this she posts us lot of thing on the WhatsApp group also on Facebook also you know he's a person is a fraudulent he's trying to bribe people he's telling us she's telling this please do not get into that nobody does yeah. it
शी इज दैट वे, शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. शी जस्ट टेल्स अस नो, मतलब पेजेंट जीता और लोग भूल जाते हैं, मतलब दे डू नॉट इवन केयर अबाउट इट, बट शी इज नॉट हियर. She keeps a check and she keeps it ki my girls are like my girls and I have the responsibility of my girls even after they have done the pageant journey. They are with me only. They are associated with Diva pageants. So I ought to keep a check on them. I ought to keep them safe. And she gives you opportunities for every small thing. Wherever she can. Now because now I can say because I'm in North Side. I'm not in Pune. I'm not in Maharashtra. So there are a lot of things which is different in Maharashtra as you compared it from North Side. The lot of opportunities are as such not there. Because Maharashtra has the film industry, the Bollywood, the Tollywood, the TV industry. So it becomes a different altogether stage. And in North Side, you generally do not have so much. And there are a lot of fraud people who are going here. But she makes it a point, nahi, whatever, if there's some opportunity in Chandigarh, she'll tell us. Some opportunity in Kolkata, she'll tell us. Some opportunity in Rajasthan, she'll tell us. So that way, she helps us a lot. I agree, everybody would agree with me for this point, actually. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि अंजना मैम हमेशा हेल्प करती हैं एंड एक बोलते हैं ना अपने बच्चे समझ के सबको हेल्प करती हैं. एंड नेहा चौहान बोल रही थी कि नाम तो याद रहता ही रहता है, साथ में टाइटल भी याद रहता है. True ma'am, true, she remembers the title even, मतलब इतने सारे लोगों को ग्रूम करने के बाद तो शायद कोई भूल ही जाए, but she remembers everything. Yes, 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 बिल्कुल बिल्कुल. तो कनिका बहुत अच्छा ये आपके साथ हमारा जो सेशन था वो रहा. अब हम जाएंगे हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे आपके रैपिड फायर का कि विच इज योर फेवरेट कोट एंड व्हाई. आई फील माय फेवरेट कोट इज बी अ रेनबो इन समवनस क्लाउड. आई फील यू शुड ऑलवेज कीप ऑन हेल्पिंग एवरीवन, यू नो, यू बिकम दैट पॉजिटिव एनर्जी सो दैट इफ यू आर पॉजिटिव the whole environment becomes positive, the people around you becomes positive, and then the way to look life and difficulties is totally different. I know everybody might be remembering that, oh, three idiots, you know, all is well. That is totally true, because every day when I'm going to the hospital, I tell myself all is well and everything is going to be well. That is the way to live life. And hamari yahi dua hai ki aage bhi aapke liye sab all is well hi rahe. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट. इन्होंने कोट बताया है गर्ल्स, तो आप इसे नोट कर सकती हैं. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट बी अ रेनबो इन समबडीज क्लाउड. तो ये इन्होंने हमें कोट बताया है, आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको. ठीक है कनिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मौका मिलता, बिकॉज सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि सारे बच्चे या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बट आई डोंट नो आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप खुद चाहती थी, बट अगर आपको मौका मिले कोई और ऑक्यूपेशन में जाने का, तो आप कौन से ऑक्यूपेशन में जाना चाहेंगे? मतलब बोलना नहीं चाहिए, बहुत हंसी आएगी सबको सुन के, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस. मतलब दैट इज थिंग, व्हाट टीवी देख देख के ना यू फील यू दैट ग्लैमर इंडस्ट्री, यू नो, इट सरप्राइजेस मी ऑलवेज एंड आई एम वेरी ऑलवेज एंथुजियास्टिक टू सी दैट इंडस्ट्री, यू नो, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री, बट स्टिल आई ऑलवेज, यू नो, like to see that those things. So that is one of my profession I always wanted to be if I was given a chance, another chance to give another profession. But yes, I'm very happy with my dentist profession. I wanted to be a dentist only. I never wanted to be an MBBS because I felt that I'm not fit for that. I cannot study so much. I was very happy with my dental profession. And with respect to all the doctors who are MBBS or MD or MS, a dentist, what can a dentist do? You know, MBBS cannot do. We still study a lot of things which are, same types, little bit we can do for MBBS. But, a dentist, what does now, an MBBS cannot do. So I'm proud to be a dentist for that. बिल्कुल, एंड हम लोग भी बहुत प्राउड हैं कि इतनी सुंदर डेंटिस्ट जो है वो दीवा पैजेंट का हिस्सा है. एंड जैसे कि आपने बोला कि वो एक्ट्रेस वाला आप जब देखती हैं, तो मेरी दुआ है कि आपको जरूर कोई बहुत ही अच्छा सा फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो है वो जल्दी आपको साइन करें, आपके घर के बाहर लाइन लगाएं कि कनिका जी प्लीज आइए फिल्म में काम करिए. जी,
तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये बड़ा फिल्मी है एंड सबको बड़ा फेवरेट है कि अगर आपको डेट पे जाना हो अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ, तो आप कौन से एक्टर के साथ डेट पे जाना चाहेंगी? तो आई एम गिविंग यू वेरी गुड ना, मतलब इंडिया के एकदम हार्ट थ्रॉब्स को मैं दे रही हूँ, तो ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान एंड संजय दत्त, तो इनमें से किसके साथ आप डेट पे जाएंगे? वेरी गुड वंस एक्चुअली, इतने सारे हैं. शाहरुख खान हैज बीन माय फेवरेट, दैट इज ट्रू. एंड या आई गेस शाहरुख खान बिकॉज ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ एवरीवन. मतलब मेरी तो घर में लड़ाइयां हो जाती थी इस बात के लिए कि यू नो दैट शाहरुख खान अमिताभ बच्चन वाला, बिकॉज ही वाज रेनिंग ऑफ हिज ओन टाइम्स एंड शाहरुख खान वाज ऑलवेज रेनिंग यू नो ऑफ हिज टाइम. ही इज सपोज्ड टू बी दैट रोमांटिक किंग, सो देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट. आई वुड ऑलवेज लव टू गो विद शाहरुख खान. जी, तो शाहरुख खान के साथ आई एम श्योर आप जरूर डेट पे जाएं, एक बार ये जब पेंडेमिक ओवर हो जाएगा तो आपको जरूर वो डेट पे लेके जाएं, बहुत अच्छी सी ग्लोरियस सी लोकेशन पे, एंड आप बहुत अच्छा खाना एंजॉय करें। ओके, मेरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब अंजना एंड काल इन वन वर्ड, व्हाट विल बी दैट वर्ड? That's I think so. That is you know one word that is fantabulous. That is the biggest word I can say. They are fantabulous. They are out of the world. They are not from here. They are not humans. They are gods for us. So So they Anjana, are like you are from Venus and Kal is from Mars from today. तो एंड yeah, प्लस that is आपका men. एक और वर्ड है जो मैं हर जो गर्ल आती है उससे जरूर पूछती हूँ, तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, तो वर्ड है फैंटाबुलस। तो ये सारे वर्ड्स आप नोट करते हुए जाइए। हाँ, तो बहुत ही अच्छा आपके साथ हमारा रैपिड फायर सेशन रहा। अब हमारी जो गर्ल्स है ना वो बिल्कुल पागल हो गई है कि भाई कनिका जी से हमको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले, एंड हम अपने आपको बस किसी भी तरीके से बचा लें COVID-19 से। तो सारी गर्ल्स एकदम तैयार हैं, पहले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है ऊपर चला गया है। गर्ल्स प्लीज अपने क्वेश्चंस आप वापस से डाल दीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं आपके क्वेश्चंस और अब मुझे दिख नहीं रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड। तो आई थिंक ऐसा कुछ प्रश्न था वो जितना मैं उस टाइम पे पढ़ पाई थी कि एक कोई गर्ल है, उनके घर में आई थिंक किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, एंड वो ये पूछ रही थी कि क्या वो घर पे ही क्वारंटाइन हो सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बट प्लीज अगर आप उसे दोबारा डाल देंगे तो मैं प्रॉपर आपका क्वेश्चन पढ़ पाऊंगी प्लीज। तो ये जरा आप ठीक है। आई थिंक प्राजक्ता ने एक क्वेश्चन पूछा है, माई फादर इन लॉ इज कोविड पॉजिटिव एंड होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, कैन वंस कोविड पॉजिटिव पर्सन हैव चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड अगेन? तो वो ये पूछ रही है कि एक बार अगर कोई इंसान कोविड से पॉजिटिव हो जाता है तो क्या वो दोबारा भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक बार कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हो जाता है कि उसको दोबारा भी हो, क्योंकि बस इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी होगी. क्योंकि क्या होता है, वायरस हैज अ क्वालिटी ऑफ यू नो कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल. सो वंस इट कंप्लीट्स इन लाइफ साइकिल इन वन बॉडी, इट डज नॉट जनरली अटैकिंग. होता ऐसा नहीं होता है कि लोगों को नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चीज में होता है. जैसे चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, दे कैन हैपन अनदर टाइम ऑल्सो. पीपल यूज टू से कि जी एक ही बार होता था लाइफ में, इट इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन, बट जी जनरली लाइफ में एक ही बार होता था एंड यूज टू डेवलप एंटीबॉडीज फॉर अगेंस्ट देम. सो आई गेस कोविड के साथ भी इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स ओनली, अनलेस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट विच कम्स आउट. अदरवाइज जी आई गेस इट इज वंस ओनली, एंड यू नो यू डेवलप योर एंटीबॉडीज कैन डेवलप यू नो अगेंस्ट दैट कोविड. सो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा होना चाहिए, बट प्लीज कीप द इम्यूनिटी एंड आई लेवल गुड. थिंक रिपोर्ट्स में भी जो हमने देखा था, जापान वाज द ओनली कंट्री जहां पे कुछ 20-22 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको वापस से कोविड हो गया था। बट साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जापान में काफी ओल्ड पॉपुलेशन है, वहां के ज्यादातर जो बहुत लोग ज्यादा हैं दे आर मोस्टली ओल्ड एज, तो शायद उस वजह से हुआ होगा। बट जैसे कि कनिका बता रही हैं कि एक बार अगर वायरस की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो वो दोबारा सेम बॉडी पे बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही अटैक करता है। ओके, वंदना जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रही है कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं और वो घर पे ही क्वारंटाइन हुए हैं, उनको हाँ जी. बहुत ज्यादा खांसी है, काढ़ा स्टीम और सिरप उनको दिया जा रहा है, बट फिर भी अपने आप अपने साइड से क्या सजेस्ट करना चाहिए?
अगर कितने दिन से, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर मान लीजिए एक ही दो दिन से है तो देन यू कैन स्टार्ट ऑफ एलेग्रा और सिट्रिजीन. एंड अगर काढ़े में, मतलब यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर ल्यूक वॉर्म वाटर एंड सॉल्ट का यू नो गरारे करना स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक एंटीबायोटिक्स. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक. और अगर दो तीन दिन से ज्यादा है सो आई वुड एडवाइज प्लीज गो फॉर अ थ्रोट स्वॉप. दैट इज फॉर कोरोना ओनली. आई वुड एडवाइज यू प्लीज गो बिकॉज हमें नहीं पता. इट इज नाउ स्प्रेडिंग सो फास्ट कि लोग जो घर में भी बैठे हैं उन्हें भी हो जा रहा है. बाहर के लोगों के साथ ही नहीं है, जो घर में बैठे उन्हें भी हो जा रहा है. बिकॉज यू नेवर नो क्या चीज है विच इज ट्रिगरिंग ऑफ. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इज ट्रिगरिंग ऑफ एंड यू जस्ट रियली डू नॉट. तो आई वुड एडवाइस कि वो डिपेंड कर रहा है कि आपका डे क्या है, कितने डेज है. बिकॉज जनरली जो कोरोना है इट इज हैज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 5.1 डेज. दैट इज गिवन बाई WHO. सो बेसिकली फ्रॉम 4 डे टू 14 डेज दैट इज द लेवल यू नो कोर्स यू कैन से ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन. सो आई वुड, दो एक दो दिन से हुआ तो देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग सिट्रिजीन और मे बी एलेग्रा वट एवर. यू कैन कंसल्ट योर प्राइवेट डॉक्टर और यू नो प्राइवेट फिजिशियन ऑनलाइन और ऑन कॉल. सो दैट मतलब डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स फिजिकल कंडीशंस कि उसे कोई और मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी जी, तो आपने कनिका जी को सुना, आप सिट्रिजिन एलेग्रा वगैरह लेना चालू कर सकते हैं. अगर 3 दिन से ज्यादा है तो प्लीज उनका COVID-19 का टेस्ट करवाइए, ये उन्होंने सजेस्ट किया है. प्रीति रश फॉरएवर 21 आपसे पूछ रही है कि आई थिंक उनकी या उनके घर में किसी की सर्जरी होनी है, तो वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ये सही समय है सर्जरी के लिए जाने के लिए. अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड अवॉइड. पेशेंट्स को ऐसे नहीं मतलब लेगा जब तक कोविड का टेस्ट नहीं होगा. एंड कोविड टेस्ट कराने के बाद से यू कैन. आपकी आवाज नहीं आ रही है करने का. हेलो मैम, कैन यू हियर मी. कनिका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. हेलो मैम, कैन यू हियर मी. यस कनिका, आप वो जानना चाहती हैं सर्जरी के लिए वो जा सकती हैं या नहीं. हाँ मैम, सर्जरी के लिए तभी हम जा सकते हैं कि अगर बहुत ही अर्जेंट नहीं है. अच्छा, तो जितना मैं सुन पाई हूँ गर्ल्स, मैं आपको बता देती हूँ, वो ये बोल रही हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो इस वक्त सर्जरी आप ना करवाएं. एंड अगर आपको सर्जरी के लिए जाना भी है तो पहले आपको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जब वो नेगेटिव आएगा उसके बाद ही आपकी सर्जरी हो पाएगी, ये कनिका बता रही है. बट साथ ही साथ वो ये भी बोल रही है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज आप सर्जरी के लिए मत जाइए. विभूति, आपको मेरी आवाज आ रही है या कनिका की आवाज नहीं आ पा रही है. मतलब मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज बता दीजिए. कनिका आप एक कुछ बोल दीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है. जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है. एंड गर्ल्स, हम बिकॉज हमारे पास टाइम कम है तो एंड कनिका से बहुत सारे लोग कोविड के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं पहले वो क्वेश्चंस ही ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि हम कोई और क्वेश्चंस भी लें साथ ही साथ. अच्छा, एक आपसे कल्पना, बिकॉज आपके बैच की है तो मैं एक प्रश्न उनका ले लेती हूँ. वो जानना चाहती है, वन थिंग दैट यू रिमेम्बर एज द बेस्ट थिंग फ्रॉम मिसेज इंडिया पेजेंट 2018. I think so. I got a lot of people to meet and when I saw those ladies, I got to know ki these ladies, you know, they are so much talent in India. Matlab, they are so talented. Matlab, hum sochte hain ki hum talented hain ya wo talented, but they, everyone was so talented. That was the best thing I saw and I, that is the best thing I remember. And these, all the ladies were so cooperative with us. And we used to help each other. That was the best thing. ऐसा कोई competition हमें लगा ही नहीं कि हम competition में. मुझे तो लग रहा था कि हम एक छुट्टी पे गए. We are on a holiday. So that was the best thing, Kalpana. I remember everything. And I always used to see her makeup and used to ask her, तुम makeup बहुत अच्छा करती थी. She told me I am a makeup artist. So then I came to know that you know she is very. She is a makeup artist. That too with Mac. तो उन्होंने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा makeup करना सीखा हुआ है and बहुत सारे workshops भी attend करती रहती हैं.
कल्पना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आया है कि इस समय में टूथ एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपका टूथ बहुत ज्यादा एक कर रहा है यू कैन गो फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, बट जस्ट आफ्टर दैट ट्राई टू मतलब आई लेडीज की जो भी टूथ आप एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं ट्राई टू गेट सूचर्स इनटू इट, सूचिंग स्टिचेस, डोंट कीप इट एज एन ओपन वुंड. यू नो ओपन वुंड से इन्फेक्शन फैलने का डर होगा, सूचर्स रहेंगे तो इट बी अ क्लोज वुंड जो भी डर, तो उससे आपको क्या होगा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा. एंड यू नो जस्ट टेक केयर, यू हैव टू टेक ऑल द मेडिसिन, प्लीज डू नॉट लीव इट इफ इट डॉक्टर गिविंग यू ऑल द एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, यू नो वट एवर दे आर गिविंग, सो दैट वेज यू हैव टू गिव एवरीथिंग. एंड यू हैव टू डू लॉट ऑफ गार्गलिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई खाना नहीं फंसना चाहिए उस एरिया में जहां पे स्पेशली आपका सर्जरी, तो यू कैन गो जी एट इज इट इज नॉट, ऐसा कि नहीं है कि नहीं आप नहीं जा सकते. इफ इट्स पेनिंग यू सो मच यू कैन गो फॉर दैट सर्जरी. जी प्रांजलि पूछ रही हैं कि वाइटामिन सी टैबलेट्स डेली ले सकते हैं, क्या सेफ है लेना एंड क्या वो हाँ फायदा बिल्कुल करता है? हाँ, इट हेल्प्स लॉट ऑफ, उसमें बहुत हेल्प होता है, बहुत अच्छी हेल्प है इम्यूनिटी में, तो इसीलिए आपको जरूर विटामिन सी लेना चाहिए. लोग तो सुबह शाम भी ले रहे हैं, इट इज वेरी एंड गुड. बच्चों को भी दे एंड सकते हैं ये टैबलेट्स? हाँ, विटामिन सी बच्चों को भी दे सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो एकदम च्यूएबल होती है, जैसे कि आप मीठी ऑरेंज टॉफी खाते हैं ना, वैसी टाइप की होती है. यू कैन ऑलवेज गिव इट टू किड्स ऑल्सो, किड्स की भी विटामिन सी आती है, यू कैन गिव दैट ऑल्सो. एंड इनफैक्ट अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास मतलब उस वेदर में ऑरेंजेस या फिर आप नींबू अगर यूज कर सकें, तो जस्ट टेक नॉर्मल नींबू पानी ले लीजिए, उसी में इतना रहता है कि विटामिन सी की इट बिकम्स एज अ, मतलब दैट्स अ नेचुरल वे टू टेक एज अ विटामिन सी. जी ओके आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है, टूथ गैप कैन बी फिल्ड? रुचिता ये प्रश्न पूछ रही है कि टूथ में जो गैप होता है उसको फिल किया जा सकता है क्या? उसको फिल किया जाता है, उसको हम विनियरिंग कहते हैं, दैट इज द वे वी फिल अप द टूथ, बट डिपेंड्स किस एज में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. जैसे अगर यंग बच्चे हैं तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि उनको वेनियरिंग कराइए, उससे अच्छा आप ऑर्थो ट्रीटमेंट कराइए. ऑर्थो ट्रीटमेंट इज लाइक यू नो पुट ब्रेसेस, एंड ब्रेसेस इज लाइक दैट परमानेंट ब्रेसेस, बिकॉज जब वो बोन का ग्रोथ होता है तो वो ब्रेसेस जो है आपके उस हिसाब से फिर वो अपनी दांतों को सेट कर देते हैं. सो गो टू एन ऑर्थोडोंटिस्ट, एंड इट इज जनरली अ ट्रीटमेंट, जनरली ट्रीटमेंट ऑफ 1 to 1.5 years, इट कैन गो टू 2 years ऑल्सो. आफ्टर दैट ओके ऑल्सो फॉर 6 months यू नीड टू वेयर अ रिमूवेबल अप्लायंस. ये चीजें बहुत से लोग नहीं बताते हैं, एंड यू नो लोग छोड़ देते हैं, एंड इट कम्स बैक टू अगेन द नॉर्म. सो आई एडवाइस कि आप जब भी कर रहे हैं तो पूरा ट्रीटमेंट एक साथ करें, ऑर्थो का स्पेशली. जी यशोदा पवार आपसे पूछ रही हैं कि आप इतना क्रिटिकल रोल आप हैंडल कर रही हैं, कैसे कर पाती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। ऑल इज वेल कह के अपने आप को रोज, दैट इज दी ओनली वे मैं कहती हूँ, बिकॉज दैट इज दी ओनली मोटिवेटिंग थिंग. यू नो आई डू नॉट थिंक सो मच, यू नो यू जस्ट डू नॉट थिंक एंड डू नॉट, मतलब न्यूज पढ़नी चाहिए बट ओवर मत पढ़ो कि उसको देख करके यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू नो स्ट्रेस्ड आउट. यू नो जस्ट कीप योर सेल्फ, डू समथिंग, इंडल्ज योर सेल्फ इन टू समथिंग विच इज क्रिएटिव, यू नो यू लाइक टू डू. जैसे बहुत से लोगों ने खाना बनाना, शेफ ही बन गए बहुत से लोग, बहुत से लोग ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, यू नो कुछ लोगों ने दैट यू नो इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, बिकॉज बैठे बैठे यू नो कहते हैं ना दैट डेविल्स माइंड, दैट इज द थिंग, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड, सो दैट शुड नॉट बी देयर. दैट इज द वे आई टेल माई सेल्फ एवरी डे इन द मॉर्निंग, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग विल गो वेल, नथिंग विल गो रॉन्ग, दैट्स माई ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द पीपल, आई हैव टू डू इट, सो आई कैनॉट लीव इट. बिल्कुल एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके बारे में जहां पर वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कल्पना साक्षी का एक प्रश्न है बट बिकॉज हमारा समय खत्म हो रहा है तो वो आप कल्पना प्लीज डायरेक्टली पूछ लीजिए, ब्रेसेस के बारे में वो कुछ पूछना चाह रही है। 1 घंटा समाप्त हो गया बट हमें पता नहीं चला। जी कनिका मैं बोल रही हूँ हमारा समय खत्म हो रहा है, हमारा समय खत्म हो रहा है एंड थैंक यू सो मच।